जब मार्केट आज खुला, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट धड़ाम हो गया। तो जब मार्केट सुबह ओपन हुआ और जब शाम को 3:30 बजे बंद हुआ, तो इस पूरे दौरान आखिर मार्केट में हुआ क्या, कब क्या घटना हुई, इसको डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन हमने सुबह से शाम तक देखा है। मार्च सीरीज के पहले ही दिन हमने देखा बाजार में काफी गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है। ग्लोबल बाजार में जिस तरह से हमने देखा जो गिरावट आती हुई दिखी, बॉन्ड यील्ड्स जो थोड़े से सर्ज होते हुए दिखे, उसका जो असर है वो हमारे बाजार पर भी देखने मिला। और हमने देखा कि आज निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी। आज निफ्टी करीब 560 पॉइंट्स नीचे बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में करीब 1750 पॉइंट तक की गिरावट आती हुई दिखी और सेंसेक्स भी आज लाल निशान में ही बंद होता हुआ दिखा। यही नहीं, सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। केवल इंडिया विक्स था जहां पे हमने देखा जो वॉलीटैलिटी थी वो आज 29 के लेवल्स पर पहुंचती हुई दिखी थी। सबसे ज़्यादा जो गिरावट आज हमने देखी है वो बैंकिंग स्टॉक्स फाइनेंशियल्स में आती हुई दिखी है। उसमें भी आप देखिए जो निजी बैंक्स हैं हैवी वेट्स हैं, वहां पे सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, RBI, ICICI बैंक, इन सब में आज 5% तक की गिरावट देखने मिली थी। और इसके अलावा जो सरकारी बैंक्स हैं जैसे कि SBI, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट, करीब 3-5% तक की गिरावट हमने देखी है। ऑटो स्टॉक्स फरवरी के जो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे उससे पहले आज गिरावट देखने मिली है। सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो कमजोर होते हुए दिखे। और इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, जहां पे लगातार गेंस आते हुए दिख रहे थे। लेकिन आज हमने देखा JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडालको जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। इसके अलावा आज जो वायदा बाजार में हमने देखा, आज से ही करीब 16 नए स्टॉक्स आते हुए दिखे, लेकिन उन स्टॉक्स में आज खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा था। ऐसे खराब बाजार में भी ये स्टॉक्स थे जो कि हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। IRCTC, नवीन फ्लोरिन, फाइजर, एल्केम लैब्स, एलिम्बिक फार्मा, ये सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज खरीदारी देखने मिली। और इसके अलावा जो नई रिस्टिंग आज के दिन होती हुई दिखी, दमदार लिस्टिंग थी, उसके बाद 30% तक के गेंस हमने रिटेल पे आते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा जी बिजनेस पर जो आपके सुपर हिट कॉल्स की कमाई होती हुई दिखी है, वो सारे स्टॉक्स फोकस में थे। सिम्फनी आप देखिए, दीपक फर्टिलाइजर, लूमेक्स ऑटो, MRPL। और आज के दिन हमने देखा जो एक्सक्लूसिव खबर आपको जी बिजनेस पर मिलती हुई दिखी, उसके चलते ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, RCF, NFL, ये सारे स्टॉक्स थे जो कि हरे निशान में आज क्लोज होते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा हमने देखा ओवरऑल जितने भी इंडाइसेस हैं वो लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और बाजार में काफी कमजोरी आती हुई दिखी थी ग्लोबल कारणों के चलते। बहुत शुक्रिया देवांशी आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए।